दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं द दस्तक 24। वीडियो देखने से पहले यदि आपने अभी तक हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आज हम आपको एक ऐसे मामले के बारे में बताएंगे जो अजीब भी है और सोचनीय भी। ये मामला भारत में पहली बार घटित हुआ है। हो सकता है ऐसे कई मामले लगातार हो रहे हों जो अभी सुर्खियों में नहीं है। बात करेंगे बिहार राज्य की। बिहार सरकार में कार्यरत एक नटवरलाल सहायक अभियंता का अनोखा और एक तरह का पहला कारनामा उजागर हुआ है। वह तीन विभागों में तीन बार नियुक्त हुआ। इतना ही नहीं, उसने पदोन्नति भी ली और सैलरी भी उठा ली। बिहार के किशनगंज में कार्यरत एक इंजीनियर का अनोखा कारनामा सामने आया है। किशनगंज भवन निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियंता सह SDO सुरेश राम एक विभाग में नहीं बल्कि तीन तीन अलग अलग जिलों में अलग अलग सरकारी विभागों में कार्यरत है और लगभग 20 से 25 वर्षों से नौकरी कर रहा है। मामले का खुलासा होने पर बिहार सरकार के उप सचिव चंद्रशेखर प्रसाद सिंह ने FIR दर्ज करने का आदेश दिया है, जिसके बाद किशनगंज थाना में नटवरलाल SDO के खिलाफ भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता मधुसूदन कुमार कड़ सिंह ने प्राथमिकी दर्ज कराई है। इसके बाद से भवन निर्माण विभाग का सहायक SDO सुरेश राम फरार है। पुलिस उसकी तलाशी में छापेमारी कर रही है। दरअसल वित्त विभाग में अभी बिहार में नया CFMS सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, जिसमें सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और अन्य कार्यों के लिए आधार कार्ड, जन्मतिथि और अन्य जानकारी डाली जाती है। वहाँ यह बात सामने आई कि तीन विभाग में एक ही नाम जन्मतिथि से एक ही व्यक्ति कार्यरत है। उसके बाद आरोपी सुरेश राम को भवन निर्माण विभाग में 22 जुलाई को उप सचिव के पास बुलाया गया। 22 जुलाई को वह शैक्षणिक कागज लेकर नहीं गया और सिर्फ आधार कार्ड, पैन कार्ड लेकर गया था। उप सचिव द्वारा बोला गया कि सिंचाई विभाग में सभी कागज लेकर आइए, लेकिन आरोपी सुरेश राम नहीं गया और उसके बाद से वह मोबाइल स्विच ऑफ करके फरार है। जांच में पता चला है कि भवन निर्माण विभाग पटना में उसने 1988 को आवेदन दिया था। उसके बाद जल संसाधन विभाग पटना बिहार में 1989 में नियुक्त हुआ और उसके बाद फिर दोबारा जल संसाधन विभाग पटना में नियुक्त हुआ। इस तरह तीन विभागों में तीन बार नियुक्त हुआ। इतना ही नहीं, आरोपी ने पदोन्नति भी ली और सैलरी भी उठा रहा है। इतने सालों तक इस घालमेल का पता नहीं लग सका और बड़े मजे से नटवरलाल सहायक अभियंता बना रहा। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि अपने तरह के इकलौते और अनोखे मामले में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और जांच लगातार जारी है। प्रथम दृष्टया मामला सही प्रतीत हो रहा है, जिसमें एक व्यक्ति एक साथ तीन विभागों में नौकरी कर रहा था। अब आगे क्या होगा वक्त ही बताएगा। जो भी आएगा द दस्तक 24 आज तक जरूर पहुंचाएगा। खबरों के लिए बने रहिए द दस्तक 24 के साथ। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।